हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुम्पस रसोई। तो इस हफ्ते फिर से एक नया रेसिपीज का सीरीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड टेस्टी होने वाला है, इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। रेसिपीज में दाल के ऊपर, दाल या राजमा जो ग्रेन्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो हमेशा रेस्टोरेंट में हम ऑर्डर करते हैं, उस सब रेसिपी को मैं सिखाऊंगी, शेयर करूंगी। तो आज का रेसिपी है दाल फ्राई, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। रेस्टोरेंट में हम इसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं, तो रेस्टोरेंट स्टाइल में एकदम हेल्दी तरीके से घर में आप कैसे बना सकते हैं दाल फ्राई, तो ये सिखाऊंगी। तो रेसिपीज देखने के लिए आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना होगा। न्यू फ्रेंड्स जो है बेल आइकन को जरूर क्लिक करें न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए दाल, तो हमने लिया है अरहर का दाल, तुअर दाल जिसको बोलते हैं, अरहर दाल। इसमें दाल फ्राई बहुत ही टेस्टी बनता है, आप कोई भी दाल से बना सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से भिगो लिया है, धो लिया है अच्छे से। और देखिए प्रेशर कुकर में मैंने कोई ऑयल कुछ नहीं डाला है, सिर्फ सूखा प्रेशर कुकर हो उसको थोड़ा हीट कर ले और इस दाल को हमें धोकर अच्छे से इस प्रेशर कुकर में डाल देना है। पानी नहीं डालना है, पहले थोड़ा सूखा इसे चलाना है। तो सूखा चलाने से क्या होगा, थोड़ा रोस्ट हो जाएगा कुछ देर, 2-3 मिनट तक, तो ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा और इसका जो फ्लेवर है और भी इन्हेंस होगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो 2-3 मिनट चलाने के बाद मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है, बहुत सारा पानी ऐड मत करना, दाल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करना। और देना है हमें नमक, मैंने 1/2 टीस्पून नमक दिया है और 1/2 टीस्पून हमें ऑयल डालना है। अब हमें इसे प्रेशर कुक करना है, ढक्कन लगा देना है और हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगाना है और लो करके फिर 2 सीटी लगाना है लो फ्लेम पे, तो दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए ये बॉयल हो चुका है, एकदम थिकनेस ठीक है, एकदम जो मुझे चाहिए, ज़्यादा गला भी नहीं है और सख्त भी नहीं है, अच्छे से बॉयल हो गया है। एक कढ़ाई में हमें डालना है थोड़ा ऑयल, मैंने सरसों का ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, उसमें 1/2 टीस्पून जीरा मैंने डाला है। तो अच्छे से भूनना है, थोड़ा जीरा फ्राई हो जाए। उसके बाद यह है चॉप्ड गार्लिक, लहसुन को डालना है, 2-3 ग्रीन चिली को मैंने चॉप्ड कर लिया है उसे डालना है। और फ्लेम को लो रखिए, यह है ग्रेटेड अदरक। तो इसे भी डाल देना है, 1/2 टीस्पून मैंने अदरक डाला है ग्रेटेड, ग्रेट करके, और थोड़ी देर हमें इसे फ्राई करना है। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, मैंने 1 प्याज को चॉप्ड कर लिया था उसे भी मैंने डाल दिया है, थोड़ा कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए। तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए प्याज, उसके बाद ये है धनिया और जीरा, मैंने ये होममेड है मेरा धनिया और जीरा पाउडर, क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, आप अलग अलग से भी डाल सकते हैं धनिया और जीरा पाउडर, मैंने एक साथ पीस लिया था। तो थोड़ी देर भूनने के बाद हमें डालना है ये टमाटर, मैंने 1 टमाटर को चॉप्ड कर लिया है। तो आपको ज़्यादा खट्टापन पसंद हो तो आप 2 भी डाल सकते हैं, और ये थोड़ा नमक क्योंकि दाल में भी नमक है, तो ये थोड़ा नमक क्योंकि टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, इसके लिए मैंने इसमें भी थोड़ा नमक डाला है। तो इसे मीडियम फ्लेम पे हमें थोड़ी देर फ्राई करना है, ढककर फ्राई करें ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। देखिए सॉफ्ट हो गया है, और फ्लेम को हमेशा मीडियम टू लो ही रखें इस समय। तो ये है कसूरी मेथी, मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दाल फ्राई में, बहुत ही टेस्टी लगेगा।
आप जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी होता है ये, एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया टेस्ट आता है जब मेरी तरह आप घर में बनाएंगे तो। इसे तो दाल को मैंने डाल दिया है, मसाले भून चुके थे तो अच्छे से दाल को मिक्स करना है और फ्लेम को आप थोड़ा हाई कर दीजिए। मैंने हल्दी डालना भूल गई तो मैंने हाफ टीस्पून से भी कम हल्दी ऐड किया है, हाफ टीस्पून से भी कम मैंने हल्दी डाला है। तो अब इसे हमें थोड़ी देर बॉयल करना है, थोड़ा कुक करना है ताकि मसाले के साथ दाल अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए ये हो चुका है, आप थोड़ा पतला और चाहते हैं तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, पर मेरा ठीक ही है। थोड़ा गरम मसाला मैंने डाला है लास्ट में और अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक इसे कुक करना है। देखिए ये रेडी है, तो इसे हम साइड में कर देंगे। देखिए ये हो चुका है। अब हमें एक तड़के की प्रिपरेशन करना है, तो मैंने इसमें लिया है घी 1 टीस्पून घी लिया है। तो घी में हमें डालना है 2-3 लाल मिर्च और थोड़ा हाफ टी स्पून चॉप्ड लहसुन। लहसुन को चॉप्ड कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आपके दाल फ्राई में। तो लास्ट में इसे ऊपर से हमें कढ़ाई के ऊपर डालना है। तो देखिए ये हो चुका है, तो मैंने अलग बोल में इसे सर्व कर लिया है। ये बहुत गर्म है, गर्म ही इसे गर्म डाल के ऊपर ही इसे डालना है, इसे हमें डाल देना है। देखिए तो आप कढ़ाई में भी डालिए, क्योंकि मैं रेसिपीज कर रही हूँ तो मैं अलग बोल में निकल कर दाल को उसके ऊपर मैंने तड़का लगाया है। आप कढ़ाई में ही तड़का लगाइए लास्ट में और मिक्स कर दीजिए। तो बहुत ही मैंने थोड़ा धनिया पत्ता ऐड किया है, बहुत ही टेस्टी, और बीच में थोड़ा बटर मैंने दिया है। तो अच्छे से मिक्स करके जब खाना हो तो अच्छे से मिक्स करके खाइए। तो बहुत ही टेस्टी बना था ये दाल फ्राई। तो तुअर दाल जो अरहर दाल, बहुत ही हेल्दी भी होता है सेहत के लिए। तो रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, घर में ही ऐसे टेस्टी दाल फ्राई बनाइए हेल्दी तरीके से और एंजॉय कीजिए। तो रेसिपीज अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही हेल्दी टेस्टी, ऐसे इंटरेस्टिंग यम्मी रेसिपी के साथ। और रेसिपी देखना हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। न्यू फ्रेंड्स जो है, घंटी जो होते हैं सब्सक्राइब के बाद, उसे ज़रूर प्रेस करना न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो टेक केयर एंड बाय बाय।